अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज मैंने जा रहा है कुकविथ रिहाना की डाइट सीरीज में। सेवैयाँ, जी हाँ, सेवैयाँ बन रही है डाइट सीरीज में। ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं क्योंकि हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून भर के डाला और उसमें 2 इलायचियाँ डाल के थोड़ा सा फ्राई की। अब इसमें मैं सेवैयों को फ्राई करूँगी उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से इससे हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे, और हाथ हम मुसलसल चलाते रहेंगे वरना फिर कहीं से ब्राउन हो जाएंगी, कहीं से ब्लैक, कहीं से वाइट रह जाएंगी। तो हमें हाथ कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अभी अच्छे से भुन गई तो मैंने इसमें 1 कप वाटर ऐड कर दिया। वाटर को थोड़ा सा ऐड होने के बाद मैंने इसमें 1 साशा मिल्क पाउडर का डाल दिया। आपके पास जो भी हो वो डाल दीजिए। मिल्क पाउडर तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा। अब इसे हम अच्छे से कुक करेंगे और इसमें ड्राई नट्स डाल के सर्व करेंगे। अगर आप शेर कोरमा बनाने चाहते हैं तो इसी पॉइंट पे सब नट्स डाल के एक जोश डाल के चूल्हा बंद कर दीजिए। मगर हमें बनानी है सेवैयाँ, तो हम इसे कुक करेंगे जब तक इसका मिल्क सोख ना हो जाए, पूरा एब्जर्व ना कर लें सेवैयाँ। मेरे पास कुछ 4 मगज रखे हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ खोपरा। जी तो व्यूअर, हमारी कुकविथ रिहाना की डाइट सीरीज़ की सेवैयाँ रेडी हैं। इसे सर्व करेंगे, एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।